स्मार्ट लर्निंग एकेडमी, मेरा नाम है वीरेन सिंह। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से कि कैसे आप लाइफ साइंस के सिलेबस में अपने क्वेश्चंस से अपने सेक्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। यार डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आप कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हमें क्या सेलेक्ट करना चाहिए, कि हम क्या सेलेक्ट करें, कि हम कौन सा यूनिट सेलेक्ट करें, कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करें, उसके बेसिस पे हमारी प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है एंड मैं भी अपना ओपिनियन ही रखूँगा। अगर आपको सहमत आप उससे होते हैं, आपको सही लगता है तो आप उसको चूज़ कर लें, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप उसको जाने दें। सिंपल सी बात है, आप जो भी आपको बेटर लगता है आप उस चीज़ को कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट कि हार्ड एंड फास्ट रूल है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, इट्स अ सिंपल थिंग कि ये जो चीज़ है वो बस ये है कि मेरा ओपिनियन है कि आप इस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं नॉर्मली बात करता हूँ, देयर इज सम सेक्शंस इन द लाइक, आपको पता है केमिस्ट्री तो सबको कंपलसरी होता ही होता है, केमिस्ट्री इज कंपल्सन फॉर एवरीवन, केमिस्ट्री तो छोड़ना नहीं है, कंपल्सन आई मीन टू से कि इसको आप स्किप नहीं कर सकते। स्किप करने का मतलब ये है बेटा कि आप क्वेश्चन चाहे तो अटेम्प्ट करो ना करो, लेकिन आप ये जो सेक्शन है ऐसा नहीं कि हाँ भैया मैं ऑप्शंस में ले लूँ, ये सेक्शन कंपलसरी होता है। अगर आपको इसके क्वेश्चन ऑप्ट करने की नहीं करने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी कोई सेक्शन कंपलसरी, इसका ये मतलब नहीं होता कि क्वेश्चन भी कंपलसरी। अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर कंपलसरी है तो इसका क्या मतलब, इसके सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे? किसने बोला भाई सेक्शन कंपलसरी है या कोई चीज़ कंपलसरी का ये मतलब नहीं होता। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जब से शुरू हो गई ना, दिस इज नॉट कंपलसरी। अब छोड़ दो, आपका मन है जो है छोड़ना है छोड़ दो, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड विदाउट केमिस्ट्री भी यू कैन क्वालिफाई द गेट लाइफ साइंस, बट स्टिल केमिस्ट्री इज गुड ऑप्शन बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द ऑल्सो फ्यूचर फॉर वेरियस बेसिक चीजें जैसे थर्मोडाइनमिक्स, बायो एनर्जेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब पार्ट आप बायो केमिस्ट्री में भी पढ़ते ही हो, वो चीज़ें यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बायो केमिस्ट्री में भी आता है, रिएक्शन काइनेटिक्स, पीएच काइनेट, पीएच वाला कॉन्सेप्ट है, उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, इतना सेक्शन तो आता ही आता है, तो उतना तो केमिस्ट्री में भी आता है, उससे दो चार क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे, तो भागने का नहीं, कर सकते हो, ठीक है। ये उसके अलावा जो है एक आता है बायो केमिस्ट्री, सेकेंड वन इज बोटानी, ठीक है, बॉटनी, एंड देन जूलॉजी, एंड इसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी, आफ्टर दैट देयर इज फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये कुछ सेक्शंस होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, इसमें से आपको दो ऑप्ट करने होते हैं, दो ऑप्ट करने होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सजेस्ट करने वाला हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, उस चीज़ को आप फॉलो करो या ना करो, आपकी मर्जी है। सजेस्ट ये करने वाला हूँ, देखो कई बार ऐसे होता ना, हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन करके जा रहे होते हैं लेकिन गेट का जो क्वेश्चन आ जाता है वो ऐसा आ जाता है कि हमको लगता है कि हम बॉटनी तो पढ़ के आए थे लेकिन यार माइक्रो का क्वेश्चन हमसे ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है, या हम बायोकेमिस्ट्री तो पढ़ के आए थे लेकिन हमको लगता है जूलॉजी ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, उसके क्वेश्चन ज़्यादा ईजी आ गए हैं। सो समथिंग कभी कभी ऐसा होता है, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, तैयारी हमेशा तीन सेक्शंस की करनी चाहिए। कितने सेक्शंस की? तीन सेक्शंस की, क्योंकि देखो माइक्रो तो आपको पढ़ेंगे नॉर्मली, अगर हम बात करते हैं चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो या कहीं और कर रहे हो, माइक्रो अगर नहीं पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री और बायोकेम का अभी मैं सिलेबस एनालिसिस भी डिस्कस करूंगा, तो उसमें जो कई चीज़ें होती हैं या मैं डिस्कस कर, अगर आपने वीडियो देखा है सिलेबस एनालिसिस वाला तो वहाँ से भी जाके कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में कई सारे सेक्शंस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, तो टोटली अप टू यू कि आप कैसे सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प इसलिए कर देता हूँ क्योंकि तीन सेक्शंस आप सेलेक्ट करोगे ना, कोई एक सेक्शन भी वहाँ पे कमजोर पड़ा तो आपके पास बैकअप रहता है दूसरे सेक्शंस को ऑप्ट करने के लिए। गेट के क्वेश्चन में भाई देखो 35 ही क्वेश्चन होते हैं टोटल, जो क्वेश्चन होता है 65 ही क्वेश्चन होते हैं करने, और समय होता है 3 घंटा, और क्वेश्चन का लेवल ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई है, बहुत आराम से बेसिक लेवल होता है, तो आपके पास एम्पल ऑफ टाइम होते हैं टू सेलेक्ट एंड टू चूज द लेवल एंड टू चूज द सेक्शन। आप वहां पे सेक्शन चूज कर सकते हो कि मुझे किस सेक्शन पे जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस देखने के बाद आप दो सेक्शंस पे ऑप्ट करते हो, ये चूज कर सकते हो, क्वेश्चंस देखो और बाद में आप चेंजेस भी कर सकते हो। फॉर्म भरते वक्त भी शायद ये चीज पूछी जाती है कि आप किस सेक्शन को ऑप्ट करना चाह रहे हो, आई थिंक फॉर्म भरते वक्त ये चीज नहीं होती, ये चीज़ जो होती है वो एग्जाम के टाइम पे होता है चूज करना आपको, कि आप कौन कौन से सेक्शन पे चूज कर रहे हो।
ठीक है, तो वो आपके एग्जाम के टाइम पे होता है, तो वहां पे आप कोई भी स्किप कर लो, अभी आप तैयारी जो करना चाहो वो कर सकते हो, वहां पे चूज कर लो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता, हो सकता है आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ना चाह रहे थे लेकिन मजा बायोकेमिस्ट्री में आ गया है, तो ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो व्हाट यू हैव टू डू गाइस, आपको करना क्या है, करना बस सिंपल है, 3 सेक्शंस को टारगेट करिए, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली 3 सेक्शंस को टारगेट करिए। 3 सेक्शंस को टारगेट करने का क्या मतलब है, बहुत सिंपल सा, जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपके पास एक विंडो या बैकअप रहेगा हमेशा, आप कभी फेल नहीं हो सकते, फिर क्वालिफाई तो कर जाओगे, इतना मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने पढ़ा तो, ऐसा नहीं कि गुट्टी पिला दे रहा हूँ मैं ऐसे हो जाएगा, पढ़ना तो पड़ेगा, डेफिनेट सी बात है। अब 3 सेक्शंस को जब आप टारगेट करें तो व्हाट शुड बी योर कॉम्बिनेशन, मैं हमेशा एक चीज रिकमेंड करता हूँ, इवन किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नेवर स्किप बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज ये हर एग्जाम हर सेक्शन में कॉमन होता है। बायोकेमिस्ट्री अगर आप ऑप्ट करते हो, एक सेक्शन तो बायोकेमिस्ट्री ऑप्ट करो ही करो, इसके बाद आप जो दूसरा सेक्शन है दैट इज जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी ऑप्ट कर सकते। व्हाई जूलॉजी, बिकॉज जूलॉजी में बायोकेमिस्ट्री का ऑलमोस्ट 40% कॉमन होता है, एंड अगर उसके बाद, अगर इसके बाद थर्ड सेक्शन जो है मैं रिकमेंड करूंगा बॉटनी के ऊपर, बट अगर आप बॉटनी के क्लासिफिकेशन से, जूलॉजी क्लासिफिकेशन से उतने नहीं हैं तो यू कैन स्किप माइक्रो ऑल्सो, इट्स अप टू यू, माइक्रो पे स्किप कर सकते हो, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का करीब करीब 40% कॉमन होता है सिलेबस जूलॉजी से, एंड बायोकेमिस्ट्री का करीब करीब 30% सिलेबस सिमिलर होता है बॉटनी से, एंड ऑलमोस्ट नियर अबाउट 20% सिलेबस सिमिलर होता है माइक्रो से, तो ये तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, इसको छोड़ना ही नहीं है, नेवर स्किप बायोकेमिस्ट्री, ये आपके कई सारे कॉन्सेप्ट को ओवरलैप कर देगा, तो आपकी जूलॉजी की स्टडी आसान हो जाएगी, बॉटनी की सिलेबस जो है आसान हो जाएगी। अगर आप फूड टेक वाले हैं तो ये भैया कॉमन का बात ही नहीं है, ये तो पूरा अलग होता है, इसका सिलेबस, इसका चीज़ें, ये इंजीनियरिंग आ जाता है फूड टेक में, पूरा पूरा इंजीनियरिंग का प्रोस्पेक्टिव आ जाता है, तो इसका तो सिलेबस ही अलग है। तो अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो मैं लिटरली यही रिकमेंड करता हूँ कि ऑप्ट बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री को छोड़ना नहीं है, बायोकेमिस्ट्री छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा, उसके बाद आप जूलॉजी को ऑप्ट कर सकते हो या बॉटनी को ऑप्ट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आप ऑप्ट क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेशन मेरा जो है, क्योंकि सिलेबस मैंने सिमिलरिटी आपको बताई कि ऑलमोस्ट बॉटनी से जूलॉजी ऑलमोस्ट 40%, बॉटनी से बॉटनी ऑलमोस्ट 30% एंड माइक्रो 20% होते हैं, तो ये चीज़ें हैं, और इन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से चूज कर लेना कि आपको करना क्या। द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। आप अगर दो भी रखना चाहते हो, कहते हो नहीं सर मेरे को 3 नहीं पढ़ना, मैं सिर्फ 2 पढ़ना चाहता हूँ, सो बायोकेमिस्ट्री मत छोड़ना, बायोकेमिस्ट्री आप पकड़ो ही पकड़ो। इसके अलावा आप अगर बॉटनी के हैं तो बॉटनी पकड़ लीजिए, आपका एमएससी अगर जूलॉजी से तो जूलॉजी से पकड़ लीजिए, आपका एमएससी किस फील्ड में आप उससे जो ईजी लगता है वो पकड़ लीजिए। मैं ये, कई लोग होते हैं कन्फ्यूज होते हैं कि सर मेरा एमएससी जो है वो इस बैकग्राउंड से, एमएससी जो है इस बैकग्राउंड से, उस बैकग्राउंड से, ऐसे है एक फलाना ढिंकाना अलग अलग से, तो क्या मैं ये सेलेक्ट करूँ वो सेलेक्ट करूँ। देखो यार, कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनका बैकग्राउंड जूलॉजी था, ठीक है, लेकिन उन्होंने बॉटनी में अच्छा किया है, बॉटनी उनको पसंद आने लगा, जिनका बैकग्राउंड एमएससी बॉटनी था वो जूलॉजी से क्रैक करके आया हुआ है। तो इट्स नॉट अप टू यू, इट्स नॉट कि जो पहले था वही पढ़ना है आपको, जब पढ़ने के बाद क्वेश्चन देखने के बाद कैसे पता चल रहा है, और ये चीज कैसे डिसाइड करोगे कि विच वन इज बेटर फॉर मी, एमएससी किससे, इससे डिसाइड करोगे? नो, इससे डिसाइड करोगे तो सब गुड़गोबर हो जाएगा, ठीक है। डिसाइड कैसे करना है, जस्ट गो टू द PYQs, एक पेपर उठा लो, एक या दो पेपर देख लो, 2020 का ले लिया और 2019 का ले लिया, ठीक है, सारे सेशंस एक बार खुद प्रैक्टिस कर लो, या जो भी करना है मॉक टेस्ट दे लो, पूरा पूरा 65 क्वेश्चन को, अगर सेक्शंस देखना है तो 65 में से चलो ठीक है केमिस्ट्री हटा दो, एप्टीट्यूड हटा दो, सिर्फ हमें सेक्शन सेलेक्ट करने हैं, तो कम से कम जो बाकी क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे उसको सॉल्व करो, हर एक सेक्शन में देखो कौन सा सेक्शन अच्छा आ रहा है, एक बार फिर से यही चीज रिपीट करो चारों सेक्शंस में, चारों सेक्शंस ऑप्ट करो यहाँ पे, और देखो कौन से 2 सेक्शंस आप अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हो, एक बार फिर से 2019 में अटेम्प्ट करो और देखो कि चारों सेक्शंस में से कौन से अच्छे कर पा रहे हैं, जिसमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है 2 पेपर्स में से, आप तीसरे पेपर पे भी जा सकते हो टू गेट द बेटर रिजल्ट। आप बेटर रिजल्ट के लिए जस्ट डू 3 मॉक टेस्ट एटलीस्ट, अगर 3 करोगे तो आपको बेटर और अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपके पास हर एक पेपर में ये बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, बॉटनी, जूलॉजी, मान लो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो अच्छा था,
2019 में आपका बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी, आपका हो सकता है बायोकेमिस्ट्री अच्छा था और यहाँ पे बॉटनी अच्छा है। थर्ड पेपर में आपने देखा बायोकेमिस्ट्री माइक्रो एंड बॉटनी, यहाँ पे बॉटनी अच्छा है और बायोकेमिस्ट्री अच्छा है, तो आपको सीधा लग जाएगा भाई बायोकेमिस्ट्री तो मेरा अच्छा चल रहा है, ये तो लेना ही लेना है। इसके बाद बॉटनी के चांसेस ज्यादा है, माइक्रो अच्छा नहीं हो पा रहा था, तो ये। और अच्छा का मतलब क्या है, नंबर, आंसर की से जाके आपको नंबर चेक करना है कि भैया पेपर में क्या आया। आप एक बस पेपर पकड़ लो, एक कॉपी पेन ले लो, क्वेश्चन 1 से 20 तक लिख लेना, उस क्वेश्चन को अप कर लो और आंसर की से मिला के नंबर कैलकुलेट करना विथ नेगेटिव मार्किंग, कि मान लो 15 नंबर 20 नंबर जितने भी आ रहे हैं उन चारों सेक्शन में से बेटर कौन है। मेरे पास जो ऑप्शन थे बायोकेमिस्ट्री माइक्रो बॉटनी एंड जूलॉजी, इसमें से नंबर वाइज कंपेयर कर लो, नंबर किस किस सेक्शन में 2020 में कितना मिला आपको, 2019 में कितना मिला आपको और 2018 में कितना मिला, आप नंबर चेक कर लो और उसके हिसाब से कंपेयर कर लेना कि विच वन इज बेटर, कौन से दो सब्जेक्ट कौन कौन से ईयर में बेटर है, जिसके मल्टीपल आइट्रेशन से उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किल, नॉट योर प्रीवियस थिंग, ठीक है। हम पीछे क्या था उससे क्या लेना देना है, हमारी स्किल क्या है, हमारा नॉलेज किस में चल रहा है, क्वेश्चन का लेवल कौन सा हमको इजी लग रहा है, वो सही तरीका होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ये गलती करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो चले जाते हैं भैया कि हमारा MSc किस में था, हमारा इसमें किसने था, और अलग अलग जगह पे परेशान रहते हैं और एजुकेटर से पूछते रहते हैं और एजुकेटर भी रिप्लाई करते रहते हैं, हाँ बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, बेटा वो कर लो, क्यों कर लो बेटा भाई। सीधी सी बात है ना कि क्वेश्चंस बनने चाहिए और क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट से बन जाए, जिस भी सेक्शन बन जाए, वही आपका सेक्शन प्रेफरेंस होना चाहिए, बिकॉज गेट या कोई भी एग्जाम क्लियर क्वेश्चन सॉल्व करके होगा, आपके प्रीवियस बैकग्राउंड को देख के नहीं होता कि अरे अच्छा आप MSc लाइफ साइंस से हैं, लीजिए आपका क्लियर होगा, नो आप जाइए क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सो नाउ आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि व्हाट यू हैव टू डू टू सेलेक्ट योर सेलेक्शंस, ये आपका सिलेक्शन, आपकी चॉइस है, आप किस में अच्छा करते हो। मैंने ये नहीं कहा कि यही सेलेक्ट कर लो, बट स्टिल आप एक बार टेस्ट दो, आप देखो कौन से कॉम्बिनेशन अच्छा है, जो कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट कर लो, दैट इज बेटर चॉइस फॉर योर करियर। टिल देन चलिए, होप कि आपको मजा आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अकेडमी प्लस पे, तो रेफरल कोड यूज करिए वेलन और वेलन लाइफ टू गेट द 10% डिस्काउंट। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी चीजें डिस्कस करता हूँ। टेक देन, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। Dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it.